तो आप हम प्ले कर रहे गाइस रियल किकर 22 और यहाँ पे हमें एक बहुत बंदा मिला है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे हम लोगों ने टॉस कर ली है, तो के बाद बिना कोई सोचे समझे जाएंगे पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और हमारा प्लेइंग 11 जो गाइस काफ़ी शानदार है, यानी कि बल्लेबाजी में कोई कमी रहने वाली नहीं है। हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हमारे पास मौजूद है। तो ओपनर टीम दोनों टीमों का प्लेइंग 11 बहुत शानदार है। तो दीपक हुड्डा और जसन रॉय के साथ जाऊंगा मैं ओपनिंग करने के लिए। शाहीन अफरीदी कर रहे हैं गेंदबाजी और पहली बॉल ही भाई स्ट्रेट गेंद करी है। यहाँ पे हम जाएंगे अपने झारू शॉट के साथ और पहली गेंद पे 2 के साथ स्वाइक के साथ स्वागत करेंगे। तो देखना पड़ेगा भाई, और कर गेंद करते हैं तो भाई यही शॉट अपन प्ले करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर टाइमिंग हो जाए ना तो कम से कम अपने को 4 या 6 तो देखने को मिल ही जाएंगे। हालाँकि दूसरी गेंद पर अपने को 4 मिल चुका है। ओवर की थर्ड गेंद, हार्दिक पांड्या वाला शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन मिलेगा डॉट। गेंद थोड़ा सा ऊपर से निकल गई, लेकिन यहाँ पे एक और बार बढ़िया शॉट खेला है। अभी तक यार गेंदबाजी देखा जाए तो ओपनर टीम ने बहुत ही कमाल का करा है और यहाँ पे रनआउट के लिए अपील भी करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा। ओके, यहाँ पे अंपायर ने उंगली खड़ी कर दिया, मुझे लगा भाई पहुँच जाएगा, लेकिन अंपायर ने कहा ना भाई वापस जाना पड़ेगा तुम्हें। फिलहाल ओवर की आखिरी बॉल, बैट का एज मिलेगा चौका, ओवर की समाप्ति हमारी टीम के लिए बहुत बढ़िया। डैन किश्चन को भेजा है गेंदबाजी करने के लिए सेकंड ओवर के अंदर और पहली गेंद बाउंसर गेंद, लेकिन भाई हमें पता है कि इनके पास कौन सा वेरिएशन हो सकता है। तो पहली गेंद पर यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉट कनेक्ट कर दिया 6 रन के लिए। ओवर की दूसरी बॉल, एक और बार यहाँ पे टाइमिंग देखा जाए तो परफेक्ट मीटर पर लग गया, लेकिन थोड़ा सा किनारे पर लग गया, इसी वजह से चौका ही मिलेगा। लेकिन अभी तक देखा जाएगा इस, तो पहली 3 गेंद इस ओवर के अंदर 16 रन आ चुके हैं। ओपनर टीम फिलहाल अंडर प्रेशर है यहाँ पे। और लो, चौथी गेंद पे एक और छक्का निकाल देगा, नाम है गाइस जसन रॉय। 87 का टाइमिंग का यहाँ पे कमाल दिख रहा है। वैसे ओवर की आखिरी बॉल है, यहाँ पे एलेक्स हेल्स हैं और आखिरी गेंद पर टाइम नहीं हुआ कुछ खास, इसी वजह से यहाँ पर सिंगल निकाला या डबल, भाई 2 रन तो यहाँ पर हो जाते हैं ना। वैसे आदिल राशिद को भेजेंगे गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद है आदिल राशिद का इस ओवर के अंदर और स्पिन करेंगे बाहर की तरफ और ठीक है, पहली बॉल है। बैट्समैन से दूर गेंद को करवाने का प्रयास करा है, लेकिन भाई इसीलिए तो हम लोगों ने इस शॉट को रखा है घुटना टेकू शॉट से हटा करके। पहली गेंद 6 ओवर की दूसरी गेंद, एक और बार उठा के मारा है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर गाइस। पहली 2 गेंदें 2 छक्के, लास्ट की 8-9 गेंदें जो है ना ओपनर टीम के लिए बहुत बुरा रहा है कहीं ना कहीं। ओवर के थर्ड बॉल, यार एक स्टिप आगे जाते ना तो इस बॉल को भी कनेक्ट कर देते कहीं ना कहीं, और यहाँ 4 तो कम से कम मिल जाता फील्ड लेकर देखा जाए तो। चल एक और बार, यार इस शॉट पे आज टाइमिंग बिल्कुल भी हुआ नहीं है मेरा। इस शॉट पे देखा जाए तो अमूमन टाइमिंग परफेक्ट ही होता है, लेकिन यार यहाँ पर टाइमिंग बार बार ख़राब हो रहा है और अपने को बार बार 2 रन ही मिल रहा है। आखिरी के 13 गेंदों का खेल बाकी है, एक स्टिप आगे आए हैं और यहाँ पर ये वाला शॉट प्ले करेंगे। इस शॉट को अपन RC20 में भी खेलते थे और यहाँ पर मिल जाएंगे 6। स्पिन गेंदबाज के साथ जाएंगे, आखिरी की 12 गेंदों का खेल बाकी है। एलेक्स हेल्स और फ्राई के ऊपर मौजूद थे और अंपायर ने कहा भाई नॉट आउट, पहली गेंद जीवनदान मिलेगा कहने के बल्लेबाज को। चलिए यहां पे अभी टाइमिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन गेंद हवा में गई है, गैप में शॉट है, मिल जाएगा चौका। पहली 2 गेंदें इस ओवर के अंदर 4 रन आ चुके हैं, 3.2 गेंदें 60 रन 1 विकेट। ओवर की थर्ड बॉल है और ये गलत शॉट था, लेकिन भाई सिंगल के लिए अपने को जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से तो भाई ये पहुंच चुका है। अब देखना ये पड़ेगा कि रनआउट देगा ये नॉट आउट, बिल्कुल नॉट आउट ही रहेगा, बिल्कुल आराम से पहुंच गए थे बल्लेबाज। ओवर की चौथी बॉल, एक और बार गेंद हवा में गई है, लेकिन फील्डर शायद इस बार मौजूद है, लेकिन फिर से बन जाएंगे दर्शक, एक और चौका मिलेगा बल्लेबाज को। ओवर की 5वीं बॉल, फिर से गेंद हवा में है, क्या इस पता इस बार रोक लेगा, बिल्कुल इस बार रोक लेगा, लेकिन 2 रन रोक नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। जेसन रॉय 10 गेंदें 37 रन, कमाल की पारी रही है अभी तक इस इनिंग के अंदर। आखिरी बॉल है इस ओवर के अंदर और जाएंगे एक और बड़े शॉट के साथ। ना भाई आज इस शॉट पे अपना लक ठीक नहीं चल रहा है, हर बार इस शॉट पे अपना टाइमिंग खराब ही होता है और हर बार अपने को 2 के साथ ही संतुष्टि करना पड़ता है। आखिरी ओवर, एक और बार यहाँ पे पार्ट टाइम गेंदबाज को देने के लिए गए हैं, क्योंकि इनके पास गति नहीं है, तो शायद इस बात का फ़ायदा लेना चाहते हैं ओपनर टीम। पहली गेंद, फिर से लेग बाय के रन मिल जाएंगे अपने टीम को, हालांकि देखा जाए तो भाई यहाँ टाइमिंग बहुत बढ़िया हो गया था। पहली गेंद लेग बाय के रन, ओवर की ये दूसरी गेंद थी, यहाँ तो भाई बहुत बढ़िया गेंदबाज, देखो भाई कहाँ बॉल करने को जा रहा है, एकदम वाइड लेंथ मेरे पाँव के आसपास बॉल कर रहा था कि अपने को रूम ना मिले बड़े शॉट खेलने के लिए।
तीन गेंदें बाकी यहाँ से और है, और यहाँ पे भी टाइमिंग ख़राब है। अगर यहाँ पे भी टाइमिंग बढ़िया होता तो भाई 6 रन मिल जाते। आज टाइमिंग का बहुत गलत सीन हो रहा है इस मैच के अंदर। फिलहाल रॉय यहाँ पे 53 रन लेने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर, रन आउट यहाँ पे हो जाएंगे बल्लेबाज। आखिरी की 2 गेंदें बाकी है, गुरबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की 5वीं गेंद, अभी तक 8 रन दिए हैं भाई, कमाल की बॉलिंग है। लेकिन इस बार ये ठीक ठाक टाइमिंग है, गेंद ने ऊंचाई पकड़ तो ली है और मिल जाएंगे 6 रन। फील्डर को बना दिया वहाँ पे दर्शक। आखिरी बॉल है यहाँ पे, और ये मेरे ख्याल से भाई ये वाइड बॉल होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बाहर गेंद स्पिन करी और सही फैसला अंपायर की ओर से। आखिरी बॉल एडवांस शॉट खेलने को जाएंगे, और इस शॉट को अपन RC20 के अंदर भी खेलते थे। और आखिरी गेंद एक बाउंस जाएगा 4 रन के लिए। 89 रन हम लोगों ने लगा दिए अपने बैटिंग में, अब 90 रन चाहिए होंगे ओपन टीम को जीतने के लिए। बैन डंक और साइफर्ट का टाइमिंग भाई 82 है, तो साइफर्ट के पास भी कमाल का टाइमिंग है। दीपक हुड्डा के साथ जाएंगे अपन पहले ओवर में एक गेंदबाजी करने के लिए, और हम अपनी ओर से भी बिल्कुल टाइमिंग गेंद की गति जो है ना बिल्कुल स्लो रखने वाले हैं, ताकि ओपनर टीम को भी टाइमिंग करने में बहुत कष्ट हो। लेकिन लगता है पहले गेंद पे ओके, बिल्कुल पहले गेंद यहाँ पे 2 या 3 रन मिल जाएंगे ओपनर टीम को, और बिल्कुल 3 रन तो भाई ओपनर बहुत ही आराम से निकालेगा। क्या चौथे का भी यहाँ पे मौका था, शायद चौथा बन जाता अगर ट्राई करता तो। चले पहले गेंद यहाँ पे 3 रन, शुरुआत ओपनर टीम के लिए बहुत बढ़िया। तो इस बार वाइड लेंथ के लिए जाएंगे और यहीं से चौका निकाल दिया। तो हर तरह के शॉट जो है ना आपके पास होने चाहिए, वाइड लेंथ के लिए, शॉर्ट लेंथ के लिए और यॉर्कर्स बॉल के लिए। फिलहाल इस बारी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर स्पिन हुई और नीचे भी रही, इसी वजह से बल्लेबाज को यहाँ पे जाना पड़ेगा वापस। एक और बार ओवर की 4वीं गेंद, ये कमाल का शॉट था, फील्डर वहाँ पे मौजूद था लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर को गेंद को पकड़ पाने का। बॉडी पे आके गेंद को लगी भाई, यहाँ पे इसने भी मुझे बहुत गेंद करा था। देखते भाई ओवर की आखिरी बॉल, एक और बार बॉडी पे गेंद लगी है। पहले ओवर के अंदर आएंगे 11, और शायद हमारे भी थे भाई पहले ओवर के अंदर 11, तो भाई हमारा कॉपी तो नहीं कर रहा ये 11 करके। चलिए ये वाला शॉट बहुत कमाल का है, गेंद बहुत ऊपर गई है, क्या ये 6 रन होगा? बिल्कुल नहीं, चौका मिलेगा। इस ओवर की पहले गेंद जोहान बोथा, ओवर की दूसरी बॉल है और ये घुटना टेक कुछ शॉट है भाई, बढ़िया शॉट है, मिल जाएंगे यहाँ पे एक और चौका। पहली 2 गेंदें 2 बाउंड्री यहाँ पे निकाल चुके हैं जोहान बोथा की बॉलिंग पे, और एक और चौका यहाँ पे मिल जाएगा। पहली 3 गेंदें, सेकेंड ओवर थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं महंगा चल रहा है मुझे, कहीं ना कहीं मेरे लिए। ओवर के 4वीं गेंद, बैट्समैन से दूर रखा इस बार और डॉट मिल जाएगा, एकदम सरप्राइज कर दिया ओपनर टीम को, और लगता है इस बार मुझे ओपनर ने सरप्राइज कर दिया है इस 6 रन के साथ। ओवर की आखिरी बॉल है, सेकेंड ओवर की आखिरी बॉल, और भाई जाते जाते एक और बार बढ़िया बॉल, 3 बोल्ड करेंगे बल्लेबाज को। पहला 2 ओवर कहीं ना कहीं बढ़िया रहा हमारी टीम के लिए, ज़्यादा रन तो दिए नहीं है वैसे। अहमद आएंगे गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद बाउंसर गेंद के लिए जाएंगे, और पहली गेंद पे हुक शॉट, और मिलन को पहली गेंद 6 रन भाई, कमाल की शुरुआत ओवर की। 3 में 60 चाहिए होंगे, और अगर इस तरह के बड़े शॉट आएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत कठिनाई होगा मैच को बचा पाना। 2 गेंदें 2 बड़े शॉट, 3री गेंद है फिर से हवा में गई है, और 3रा गेंद तो भाई बहुत दूर मारा है, एक और छक्का। 3 गेंद में 16, और चलो 4वीं गेंद कम से कम पैडों पे लगी है, सिंगल मिलेगा, कम बैक करने का मौका मिलेगा भाई। लेकिन अगर ओवर थ्रो दोगे तो भाई हम तो लूट जाएंगे वैसे भी। और यहाँ पे लो कम से कम डायरेक्ट हिट की वजह से ना एक और रन इनको निकालने का मौका नहीं मिला, नहीं तो ये ओपनर एक और रन भाग जाता। और मुझे लगता है गाइस ये मैच ना बहुत रोमांचक चलने वाला है। 14 गेंद में 43 रन, 2 गेंदें भाई, अगर एक भी बड़ा शॉट यहाँ पर लग गया ना तो फिर आखिरी के 12 गेंद 30-37 बन जाएंगे आराम से, क्योंकि हम लोगों ने भी तो करे थे ना। ओवर के 5वीं बॉल, यहाँ पर टाइम नहीं करा ओपनर टीम ने, मिलेगा सिंगल, और सिंगल से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। 18.92 का रिक्वायर रन रेट है। आखिरी बॉल रन आउट, यहाँ पे आउट का प्रयास करेंगे LBW का, लेकिन नॉट आउट देंगे अंपायर, इससे कोई दिक्कत है नहीं। कीमा पॉल आएंगे गेंद बाजी करने के लिए, और अब थोड़ी सी गेंद को हम बैट्समैन से दूर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ये डॉट गेंद खेल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर इसका टाइम भी ठीक हो नहीं पा रहा है। तो आप लोग को भाई ओपनर टीम का वीकनेस ढूंढना पड़ेगा कि भाई ओपनर टीम कहाँ पर टाइमिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पर डॉट गेंद प्ले कर रहा है। नहीं तो भाई अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर ओपनर टीम आराम से चेस कर लेगा, भले ही आप 100 रन क्यों ना लगा दो, क्योंकि भाई 100 रन इसके अंदर बहुत आराम से चेस होते हुए मैंने देखा भी है और होते भी हैं। फिलहाल एक और बार बैट का एज यहाँ पे, 2 रन ओपनर टीम को ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। आखिरी के 2 गेंदें भाई इस ओवर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निर्णायक गेंद होने वाली है। 8 में 32,
और एक और बार टाइम नहीं करेंगे तो भाई मिलेगा यहाँ पे 2 रन। अब अगर आखिरी गेंद पे 6 लग भी जाएंगे तो 7-6 में 24 बनेंगे आखिरी गेंद आखिरी ओवर के लिए। लेकिन चलिए भाई एक और बार यहाँ पे टाइमिंग नहीं हुआ तो ये ओवर हमारी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया निकाल दिया कीमा पॉल ने। आखिरी के 6 गेंदे जीतने के लिए 29 रन चाहिए होंगे। पहली गेंद टाइमिंग के अंदर गड़बड़ी है और यहाँ मिलेगा पहली गेंद 2 रन। 5 गेंद में 27 रन चाहिए होंगे ओपनर टीम को जीतने के लिए, बड़े शॉट चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे ओपनर टीम में स्ट्रगल कर रहा है इस वाली गेंद के ऊपर, टाइमिंग नहीं कर पा रही ओपनर टीम। और वहाँ पे हम लोग फिल्टर भी वैसे लगा सकते हैं लेकिन हम लोगों ने अभी तक फिल्टर नहीं लगाया है। देखते हैं भाई कब तक ओपनर टीम में स्ट्रगल करता रहेगा। लेकिन इसी बीच लगा दिया 6 रन, 3 गेंदे 19 रन यहाँ पे। और ओपनर टीम ने कहा चलो भाई हमसे ना होने वाला, हम डॉट गेंद खेल लेंगे और मुकाबला अब यहाँ से हम हार नहीं सकते हैं। हालांकि चलो आखिरकार यहाँ पे ये गेंद को कनेक्ट कर दिया 6 रन के लिए। ओपनर टीम का प्रयास रहेगा सफल और जाते जाते भाई कहीं ना कहीं ये टाइमिंग वेट कर रहे थे क्या कि भाई मैच जब हार जाएंगे तब ये शॉट कनेक्ट करेगा। ये मैच गंवाने के बाद इन्होंने 2 बढ़िया शॉट कनेक्ट कर दिया है। लेकिन हम लोगों ने 7 रन से इस रोमांचक मुकाबले को विन कर लिया है। और गाइस यार अगर आप सभी को RC20 के और अमेजिंग गेम प्ले वीडियोस देखने हैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ तो भाई वीडियो को लाइक कर दो पहले तो, एंड जो भी यहां पे पहली बार होंगे रेड वाला आइकन बिगले कमान के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप सभी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।